हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले में पुलिस दंगाइयों की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मंगलवार भी और 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी बरामद किए गए। वहीं SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के तत्काल बाद बनभूलपुरा में हिंसा वाली जगह मलिक के बगीचे में पुलिस चौकी का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल की तैनाती की गई है। इसके अलावा कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र से 41 हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही जो नामजद आरोपी फरार हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया जा रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू में वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो सामान सब सप्लाई हम करवा रहे हैं। कल उस क्षेत्रीय कुछ लोगों के साथ और शहर के जो बाकी लोग उनके साथ एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो हम रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके की ढिलाई दी जा सकती है। तो आने वाले दिनों में वहाँ हम सोच रहे हैं कि कुछ रियायत दी जाए। और इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट हैं या राडार पा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस जो है अपनी टीमें भेजी हुई है और उनकी दबिश दी जा रही है। रेलवे बसें और जितना भी संचालन है वो सब कुछ सामने। सर, अब्दुल किस तरह से मामले हैं और क्या है उस मामले में? देखिए, इस अभियुक्त के खिलाफ जो भी मामले पूर्व में दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कहीं इस मामले में हम डाटा ले रहे हैं,